सो आज हमारा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का डे एंड फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी इसमें रोप हैमर कर्ल्स, जिसके हम 4 सेट मारेंगे। बिकॉज फर्स्ट सेट जो होगा वो वार्म अप सेट होगा, जिसमें आपको कम से कम 30 रेपिटेशंस लेने हैं। उसके बाद जब आपके आर्म्स अच्छे से पंप हो जाएंगे, तब जो वर्किंग सेट होंगे 3, उसमें आपको 15-15 रेपिटेशंस रखने हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा आपको अपने बाइसेप्स के कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है, जिससे बाइसेप्स ग्रो कर पाएंगे। जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी वो है डंबल कर्ल्स। एंड डंबल कर्ल्स परफॉर्म करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी जो रिस्ट है वो सुपिनेटेड पोजीशन में ही रखनी है। इसे हमें ट्विस्ट नहीं करना, बिकॉज सुपिनेटेड ग्रिप में ही बाइसेप्स पे ज़्यादा फोकस जाता है, जिससे आपको बाइसेप्स ग्रो करने में हेल्प मिलती है। एंड हमेशा याद रखें, बाइसेप्स करते टाइम आपको बाइसेप्स की मसल्स से माइंड मसल कनेक्शन बनाना है। पूरा ध्यान आपको एक्सरसाइज में ही रखना है आपको, तभी आप बाइसेप्स ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, वो है इजी बार कर्ल्स। इसमें हमें अपने हाथों को अपने साइड से लॉक करना है, जिससे जब हम अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम बिल्कुल भी स्विंग नहीं करेंगे अपनी बॉडी को। एंड जो हमारे सेट है, जो हमारे रिपीटेशंस है, वो पूरे बाइसेप्स पे ही फोकस करेंगे। तो एल्बोस को लॉक करके आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब हम आते हैं अपने ट्राइसेप्स के वर्कआउट पे। ट्राइसेप्स में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डंबल स्कल क्रशर्स। इसके आपको 15 रिपीटेशंस लेने हैं, 3 सेट करने हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में एक्सरसाइज को करें, बिकॉज आप जल्दी जल्दी परफॉर्म करेंगे तो आपके ट्राइसेप्स की जो लॉन्ग हेड है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आपको बिल्कुल मोशन के साथ एक्सरसाइज को करना है। एंड हाँ, अपना पोस्चर एंड फॉर्म बिल्कुल सही रखें, वीडियो को देखें एंड समझें। हमारी जो फिफ्थ एक्सरसाइज है आर्म्स वर्कआउट की, वो है सिंगल आर्म ट्राइसेप्स एक्सटेंशन रिवर्स ग्रिप। रिवर्स ग्रिप हम इसलिए मारेंगे जिससे जो हमारा लॉन्ग हेड है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। एंड जो एक हॉर्स शू ट्राइसेप्स कहते हैं वो आपको मिलेगा। सो वेट आपको उतना ही लेना है जिससे आपका फॉर्म ख़राब नहीं हो। एंड दोनों हाथों से आपको 15-15 रिपीटेशंस परफॉर्म करने हैं। और आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा हैवी वेट अगर आप लेते हैं तो आपका फॉर्म बिगड़ेगा एंड फिर वो शोल्डर पे आपका लोड पड़ेगा। इसलिए आपको वेट उतना ही लेना है जिससे आप ट्राइसेप्स पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएं। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है हमारे आर्म्स वर्कआउट की, वो है सीटेड डिप्स। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है ये आपके ट्राइसेप्स में मास बिल्ड करने के लिए। इसको आप स्लोली परफॉर्म करें एंड हाथों को आपको नैरो रखना है, नैरो ग्रिप में आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एंड फुल अपनी बॉडी को नीचे ले जाना है, देन जब आप ऊपर आएंगे तो आपको ट्राइसेप्स पे कॉन्ट्रैक्ट करना है। ट्राइसेप्स को आपको बिल्कुल ही खींच के रखना है, जिससे पूरा जो फोकस होगा वो ट्राइसेप्स पे होगा।
सो गेनिंग सीरीज का फोर्थ डे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट हमारा आज फिनिश हुआ एंड सभी के तीन तीन सेट एंड रिपीटेशन ज़्यादा लेने हमें, बट आपको डाइट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है तभी हम रिकवरी कर पाएंगे। सारी वीडियोस पूरी पूरी देखें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें जिससे आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड आपको जो भी नई चीज़ मैं करूँगा वो इंस्टाग्राम पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें सबके साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ग्रोइंग।